जय जैनेन्द्र भाइयों, आज हम खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर का दर्शन करेंगे। इस जैन मंदिर के अंदर तीन मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे, हम सतीनाथ, पारेश्वरनाथ और आदिनाथ। तीन मंदिरों का समूह है, तीनों के संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो बनाएंगे। ये आप जो लाखों की संख्या में मूर्तियां देख रहे हैं, ये मूर्तियां, हर मूर्तियां कुछ ना कुछ दर्शाती है। कोई पति से नाराज हो रही है, कोई पति को मना रही है, कोई बच्चे को दुलार रही है, कोई पैर से कांटा निकाल रही है, कोई रो रही है, कोई हंस रही है। मूर्तियों के अंदर बारीकी से दर्शाया गया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो बनाएंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेवल एंड फूड नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको हजार साल पुराना जैन मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जो खजुराहो का फेमस मंदिर है। ईस्टर्न और वेस्ट में दो मंदिर पड़ते हैं, ये तीन मंदिर का समूह है। चलते हैं, पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाएंगे, लास्ट तक। इस मंदिर में हम तीन मंदिर के दर्शन करेंगे, एक सतीनाथ, एक पारेश्वरनाथ, एक आदिनाथ। चलते हैं, बताता हूँ। यहाँ पे आप रुकने खाने की भी फुल व्यवस्था है, यहाँ पे धर्मशाला भी है। उनकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं, बात करते हैं कितने की धर्मशाला है, कितने में हम रुक सकते हैं, क्या उसकी सर्विस चार्ज है, क्या सिस्टम है। जैन मंदिर के अंदर तीन मंदिरों का समूह है, तीनों मंदिरों के दर्शन करेंगे। और इस मंदिर के अंदर धर्मशाला भी है, जिसमें खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी है। जो जैन मंदिर है, बड़ा ही खूबसूरत है और बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ मंदिर है और बड़ा ही फेमस मंदिर है। जब मैं खजुराहो आया, जो छतरपुर मध्य प्रदेश जिला लगता है, जिसका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मैंने यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तीन मंदिरों का समूह है और बड़ा ही शानदार है। आप यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी है, जैसे धर्मशाला, यहाँ पे रुक भी सकते हैं, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, भोजन और की अच्छी। सर, ये अपने जो है जैन भोजनालय है, जैन धर्मशाला है, इसका क्या सिस्टम है, कितने का स्टार्ट है रूम, अगर कोई बंदा आना चाहे तो? रूम मिलेगा आपको सर कूलर वाला, 500 रुपए से रूम स्टार्ट है, 500, 800, 1000, 1500 रुपए। अच्छा, 500, 1000, 800, 1500 है ना, 1500 में कैसे, 500 में भी डबल, सब में डबल है, लैट बात आते हैं। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, इसमें भोजन की भी व्यवस्था है? भोजन की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? 10:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक आपको भोजन मिलेगा, 80 रुपए थाली के हिसाब से। क्या क्या आइटम होते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़, सलाद, अनलिमिटेड, मतलब एक आदमी पेट भर के खा सकते हैं, पेट भर के खाना खाए 80 रुपए में, है ना। सर, आना चाहे तो यहाँ का एड्रेस कुछ दे दीजिए आप। गूगल पे आप सर्च करेंगे जैन मंदिर। हाँ जी, जैन मंदिर खजुराहो। ये एड्रेस क्या है वैसे, एड्रेस यहाँ का? जैन मंदिर ही एड्रेस है भाई। किसी को ऑटो वाले को बोलेंगे तो जैन मंदिर को 20 रुपए लेकर के छोड़ देगा, 20 रुपए किराया यहाँ का, 20 रुपए ऑटो का, ऑटो बुक करके आना, स्टैंड से 20 रुपए है। मैं भी आया हूँ वहीं से, 20 रुपए लिए मुझसे, गोलघर से, गोल बाजार से 20 रुपए। ठीक है, यहाँ का ओपनिंग का टाइम और क्लोजिंग का टाइम क्या है? 24 आवर्स है सर्विस। अच्छा, धन्यवाद। माताजी से पूछते हैं कि ये मंदिर कितने साल पुराना है, इस मंदिर की क्या खासियत है। माताजी प्रणाम। ये मंदिर लगभग 1100 वर्ष प्राचीन है और इस मंदिर की ये विशेषता है कि पूरा पत्थर से बना हुआ, यहाँ की जो नक्काशी है, यहाँ की जो कलाकारी है, ये बड़ी अद्भुत है। ऐसी कलाकारी आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसीलिए बाहर से भी विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अच्छा, और यहाँ पर पाहिल श्रेष्ठी कहलाते थे, राजा के मतलब मंत्री, वो श्रेष्ठी यानी सेठ थे, राजा अलग थे, पाहिल सेठ थे, उनके माध्यम से ये मंदिर बनवाए गए। अच्छा, और उन्होंने इन मंदिरों को इतने अच्छे से गढ़ा और उन्हें लगा कि जो भी इन मंदिरों की और सुरक्षा करता रहेगा, उनके लिए मैं अपने दासों का भी दास घोषित करता हूँ, ये मंदिर हमारे ऐसे सुरक्षित रखे रहे। तो आज 1100 वर्ष हो चुके हैं, हम इन मंदिरों को देखते हैं तो लगता है कि वाकई में उस समय जब कोई मशीनरी युग नहीं था और ऐसे युग में उन्होंने कितनी ऊंचाई, आपने जाकर के देखा होगा पार्श्वनाथ भगवान को, कितनी ऊंचाई पर ऐसी कलाकृति की एक चित्र वहाँ का बोलता है, एक एक चित्र हमें संदेश देता है कि पहले की क्या संस्कृति रही है और पहले की क्या संस्कार रहे हैं, मंदिर के माध्यम से वो पूरा संदेश हमारे लिए दे देते हैं। अच्छा जी, माता जी, यहाँ के आपके गुरु जी कौन है? हमारे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जिनके लिए भारत वर्ष ही नहीं विदेश के लोग भी बहुत अच्छे से उनके नाम से जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज जैन धर्म के प्रचार और प्रसार का, वो विश्व धर्म का प्रचार करते हैं, अहिंसा धर्म का प्रचार करते हैं आचार्य विद्यासागर।
ये मेरे पीछे आप जैन मंदिर देख रहे हैं, इसका 3 मंदिरों का समूह है और आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी मूर्तियां इस मंदिर में है, और आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है इतनी छोटी मूर्तियां, इतने शानदार मंदिर है। अगर कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा और दर्शन। इन मंदिरों में लाखों की संख्या में छोटी छोटी मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां आज के टाइम में बनाना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। आप देख सकते हैं हर मूर्ति, हर जानवर कुछ ना कुछ संदेश देता है। जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार रही है, माँ अपने बच्चे को डांट रही है, अपने पति पत्नी अपने पति को मना रही है, पति अपनी पत्नी को मना रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध करते हुए सब चीज दिखाई गई है। महिला कांटा निकाल रही है, महिला मेहंदी लगा रही है, महिला पेंटिंग कर रही है। आपको मैं गौर से देखिएगा, इन मूर्तियों में देखने को मिलेगा आपको, और मैं आपको बताता भी रहूंगा। ये पूरा मंदिर वास्तु द्वारा बनाया गया मंदिर है। आप ऊपर देख सकते हैं, महिला पैर में से कांटा निकाल रही है, देखिए आप। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।